दोस्तों आपको पता होगा कि भारत ने रशिया से 5 बैटरीज S-400 की खरीदी है। इनकी वैल्यू कितनी थी? इनकी वैल्यू थी 35,000 करोड़ के लगभग। ये आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इतना ही बड़ा ऑर्डर आकाश सैम के लिए भी मिला है तो आप क्या कहेंगे? आकाश सैम वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका निर्माण भारत के DRDO ने स्वदेशी तौर पर किया है और संपूर्ण रूप से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर यह आधारित एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आपको मीडियम रेंज में शानदार कवरेज प्रदान करता है। किसी भी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, किसी भी हेलीकॉप्टर, किसी भी ड्रोन, इन सभी को हवा में न्यूट्रलाइज कर देने में इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो ऑर्डर मिलने जा रहा है वो ऑर्डर होगा 30,000 करोड़ का। जी हाँ, 35,000 करोड़ के S-400 और 30,000 करोड़ रुपए प्राइस के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कहने का मतलब S-400 के सिमिलर की एक डील मिलने जा रही है और इसके लिए बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई है। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि ये किस तरह की चीजें निकल कर सामने आई है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार, हम सभी जानते हैं कि DRDO की DRDL की तरफ से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की इसे संपूर्ण रूप से विकसित किया गया है। अब भारतीय थल सेना के लिए इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बड़े पैमाने पर भारतीय थल सेना के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज खरीदी जाने वाली है जिनकी अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहुत ही जल्द 30,000 करोड़ रुपए की कीमत जितने एयर डिफेंस सिस्टम हमारी थल सेना के लिए खरीदे जाएंगे। अब हम लोग ये बात सभी जानते हैं कि DRDO केवल डेवलपर है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। किसी भी मिसाइल को या किसी भी हथियार को वो डेवलप जरूर करता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो खुद नहीं करता। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए DRDO की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है हैदराबाद के अंदर मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में MSQAA कहा जाता है। तो रिसेंटली एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। उसी दौरान DRDO के अधिकारियों द्वारा MSQAA को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की संपूर्ण टेक्नोलॉजी, उसकी ड्राइंग, उसके सभी कंपोनेंट्स की जानकारी और उसके जो टेस्ट किए गए उनके सारे रिजल्ट एंड डेटा एक सीलबंद लिफाफे में सौंप दिए गए हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है AHSP। अब इसके बाद MSQAA इन मिसाइल सिस्टम का निर्माण करने जा रही है जिसके लिए मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करवाया जाएगा भारतीय थल सेना के द्वारा। और जैसे ही ये 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उसके बाद ये जो ऑर्डर होगा आकाश सिस्टम के लिए, ये अब तक का भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी हथियार के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। और जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं या इस तरह की एजेंसीज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनके मुंह पर ये कितना बड़ा तमाचा है। यार, भारत की सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा पेचीदा काम है और भारत की टेरिटरीज काफी सेंसिटिव है। दोनों तरफ हमारे दुश्मन हैं, उनकी तरफ से कभी भी भारत के ऊपर अटैक किए जा सकते हैं। इन अटैक्स को रोकने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, वो भी भारतीय स्वदेशी हथियारों को लेकर। तो ये अपने आप में काफी गौरवशाली क्षण होगा और ये इस बात का इंडिकेशन भी है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि आकाश का कौन सा वेरिएंट इसके लिए चुना गया है भारतीय थल सेना के लिए, यानी जो आकाश सैम है वो है या फिर आकाश NG है, आकाश प्राइम है, इसके बारे में अभी तक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। क्योंकि तीनों ही वेरिएंट में कुछ थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं और साथ ही इनकी रेंज और एक्यूरेसी को लेकर भी कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। खैर, जो कुछ भी हो, है ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसी के एक पार्ट के तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी साल डिफेंस एक्सपो जब हुआ था उसके अंदर आकाश सैम के नए लॉन्चर को भी डिस्प्ले किया गया था। तो संभवतः ये बिल्कुल वही है और इसी को लेकर ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इनको लेकर कुछ टेस्ट फायर भी किए जाएंगे, यानी जिस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया है DRDO की तरफ से उसी के आधार पर कुछ मिसाइल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। उसके बाद उनके टेस्ट वगैरह करके उनके गुणवत्ता की और उनके रिजल्ट की जाँच की जाएगी। सारी कुछ चीजें सही पाए जाने पर इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और ये काफी कॉम्प्लीमेंट देगा हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम को। क्योंकि कल ही मैंने आपको QRSAM वाले वीडियो में बताया था कि जहां पर S-400 डिप्लॉय किए जाएंगे उन्हीं के आसपास हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और VLSRSAM भी डिप्लॉय किए जाएंगे और सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर दुश्मनों का सामना करेंगे। तो धीरे धीरे सही, लेकिन हम लोग हमारी भारतीय सेनाओं का जो स्वदेशीकरण है वो बड़े पैमाने पर करते जा रहे हैं। हर फील्ड में आप ले लीजिए, तीनों ही सेनाओं के बारे में बात कर लीजिए, सभी के लिए उपकरण अब स्वदेशी लेवल पर बनाए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं और ये सारे के सारे वेपन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी ट्राई फोर्सेस के लिए। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।